जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुमित और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आज एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टाइटल पढ़कर आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और आखिर बचकर हम सभी ब्लाइंड यूट्यूबर्स के लिए ऐसा क्या है, क्यों रहना है। तो बिल्कुल ये टाइटल कोई गलत मैंने नहीं लगाया है, बिल्कुल सही आपने पढ़ा और ये आजकल देखने को मिल रहा है। खैर, ज़्यादा बात को इधर उधर ना करते हुए मैं सीधे आज के इस टॉपिक पर बात करूँगा कि कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड मोबाइल कैफे चैनल हैक हो गया था और वो चैनल हालांकि वापस आ चुका है। तो उस वीडियो पर कुछ कमेंट्स मुझे मिले कि आखिर ये चैनल हैक कैसे हुआ और रिकवर कैसे हुआ, और कुछ मैसेजेस मिले मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से कि आखिर चैनल हैक कैसे हुआ। तो इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, मैं बोला था और बनाता भी, और हालांकि आगे भी मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा, मगर उससे पहले मुझे यह इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल गया तो मुझे लगा कि नहीं, इससे पहले मुझे इसी टॉपिक पर वीडियोस बनाना चाहिए कि ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल आज मैं चैनल हैकिंग के विषय में ही बात करूँगा, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड किया था उस समय सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का सामना मैं किया था मेरे जानकारी में, लेकिन जब मैं वीडियो अपलोड किया उसके बाद मुझे मालूम चला कि इस चीज़ का सामना और भी लोग कर चुके हैं, काफ़ी सारे चैनल हैक हुए और कुछ चैनल अभी हैक हुए हैं रिसेंटली और कुछ ऐसे हैं जो हैक होते होते बच गए। तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का है दोस्तों, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के इस वीडियो को जितने भी हमारे VI कम्युनिटी में यूट्यूबर हैं उन सभी को शेयर कीजिए और आप भी इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो टेक यूट्यूबर है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपका एक यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करते हो, चाहे आपका चैनल किसी भी कैटेगरी में हो, टेक कैटेगरी हो, सिंगिंग कैटेगरी हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए होने वाला है, इसलिए आपके लिए आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो को पूरे लास्ट तक आप देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्लीज़ 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 आज के इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप यदि शेयर करते हैं तो भविष्य में यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो उन्हें पहले से ये मालूम चलेगा, आप पहले से सावधानी से रह सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज मैं चैनल हैकिंग के विषय में बात करूंगा कि मैंने जैसा कि आपको बताया कुछ दिनों पहले एंड्रॉयड मोबाइल कैफे चैनल हैक हो गया था और अब उसके बाद मुझे पता चला और भी कुछ चैनल हैक हुए हैं। हालांकि सभी चैनल के मैं नाम में अनाउंस नहीं करता हूँ, मैं जो एक चैनल मेरे कॉन्टेक्ट में है उनका हालांकि चैनल पर कमेंट भी मुझे मिला था कि मेरा चैनल हैक हो गया है और मैं पर्सनली भी उनसे मैसेज पर बातें किया और डिटेल में उनसे जानकारी लिया कि आखिर क्या हुआ था। तो मैं बात करूंगा, आप सभी उस चैनल से परिचित होंगे मुझे लगता है, काफ़ी हमारे जो VI टेक कैटेगरी में चैनल है, ये VI कम्युनिटी में काफ़ी अच्छा चैनल है। और ये इस चैनल के विषय में बता दूं कि मैं बहुत ही शुरू से इस चैनल को मैं जानता हूँ और जो इस चैनल के ऑनर है मैं उसे भी बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। और पिछले साल की बात करूँ तो इस चैनल पे ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक साल इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है और 1K+ सब्सक्राइबर भी है इस चैनल पर। तो बात करूँगा यहाँ पर टेक विथ विशाल, जो कि एक चैनल यूट्यूब चैनल आप सभी यूट्यूब पर अभी हालांकि आपको नहीं मिलेगा, चैनल कुछ दिनों बाद आपको मिल जाएगा। तो ये चैनल भी अब हैक हो चुका है। तो कुल मिलाकर ये आजकल VI कम्युनिटी में भी हो रहा है। पहले आपको सुनने को क्या मिलता था, बड़े बड़े जो नॉर्मल यूट्यूबर हैं उनके चैनल हैक हो गए, आपको पता चलता था कि आज इनका चैनल हैक हो गया, उनका चैनल हैक हो गया, लेकिन आजकल ये हम VI कम्युनिटी में भी ये चीज़ हो रहा है। इसलिए हम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी से रहना है और इसलिए आज का ये वीडियो सभी ब्लाइंड यूट्यूबर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आखिर ये सब हो कैसे रहा है और अगर होता भी है तो हमें किस प्रकार से बच कर रहना है, क्योंकि देखिए हैकर आप चाहे जितना भी सावधानी से रहे, हैकर अगर चाह लिए तो आपका ये चैनल हैक करके ही वो रहेगा।
इसीलिए आप चाहे जितने भी सावधानी से रहें। इसलिए अगर मान लीजिए चैनल हैक हो भी जाता है तो हमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, किस प्रकार से हमें सब कुछ अच्छे से काम करना है, ध्यान से काम करना है, चैनल किस प्रकार से रिकवरी कराना, इन सब चीज़ों से हम बात करेंगे। तो और चैनल किस प्रकार से कैसे आजकल हैक हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, हैकर क्या तरीका अपना रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, और दूसरी बात है टेक विद विशाल, इस चैनल को बाद में आप सर्च करके देख सकते हैं, इनका मैं एग्जाम्पल देता हूँ आखिर हुआ क्या। और भी कुछ ऐसे चैनल हैं जिनका मैं नाम अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वे भी इस गलतियों को कर रहे हैं, और कुछ चैनल ऐसे ऐसे गलतियों को कर रहे हैं उनका भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तो देखिए सबसे पहली बात कि आजकल चैनल हैक किस प्रकार से हो रहा है, चाहे आपके कितने भी सब्सक्राइबर हो, चाहे आपका कोई सा भी यूट्यूब चैनल हो, जरूरी नहीं है कि आपका टेक्निकल चैनल है तभी आपका चैनल हैक होगा, या फिर जरूरी नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया या ज़्यादा सब्सक्राइबर है तभी चैनल हैक होगा। आपका यदि 200 सब्सक्राइबर है फिर भी आपका चैनल हैक हो सकता है, इसलिए आपको भी सावधानी से रहना है, इसलिए आप सभी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करता हूँ वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, कि आजकल हैकर क्या तरीका अपना रहा है। सबसे पहली बात कि आपके पास, आप में से काफ़ी लोगों के पास ये चीज़ हो, कुछ मतलब लोगों के पास ये चीज़ हो रहा होगा, क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड किया तो मुझे इसके विषय में जानकारी मिला कि ये और भी लोगों के साथ हुआ है। कुछ मेल्स आते हैं हैकर, जो ये पहली बात जो ध्यान में हमें रखना है, कुछ मेल आते हैं स्पॉन्सरशिप या फिर और कुछ भी मेल हो सकते हैं, चलिए लेता हूँ एग्जाम्पल है स्पॉन्सरशिप की तरफ से, मतलब स्पॉन्सरशिप के इरादे से। तो कुछ कंपनीज़ के मेल होते हैं जिनपे बड़ा बड़ा कंपनी का नाम रहता है, या फिर और आपसे कहा जाता है स्पॉन्सरशिप के लिए, तो फिर आप उनसे बातें करने लगते हो, फिर वे एक कोई ऐप दे देते हैं इंस्टॉल करने के लिए, या फिर कोई वेबसाइट पर डिटेल भेजने के लिए कहते हैं आपको, तो आप बिना सोचे समझे इनका प्रयोग करते हो और इस प्रकार से आपको हैकिंग का सामना करना पड़ जाता है। तो ये एक चीज़ है जिसके विषय में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, और भी कुछ तरीके हो सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर पहला हो गया मेल। तो आपके पास मेल विशेषकर देखिए YouTube पर आप अपना मेल आईडी और नंबर दे देते हो, इसलिए कोई भी हैकर आपसे इजीली मेल के जरिए से कांटेक्ट कर सकता है। मोबाइल नंबर पर तो जल्दी कांटेक्ट नहीं कर सकता है यदि वो क्योंकि फेक नंबर से आसानी से कॉल नहीं, हालांकि फेक नंबर से कॉल्स होते हैं लेकिन फिर भी इतने आसानी से कोई नहीं करना चाहता है, मेल का ही प्रयोग पहले करना चाहता है। इसलिए आप कभी भी अपने चैनल पर यूट्यूब पर मेल आईडी दे देते हो तो ठीक है, देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, ताकि आपके व्यूअर्स आपसे कांटेक्ट कर सके। इसलिए जो हैकर होते हैं वह भी आपसे मेल से ही कांटेक्ट करते हैं। ये मेल से पहला हैकिंग हो जाता है। मेल किसी भी प्रकार के आपके पास आ सकते हैं या फिर आए होंगे, आते होंगे, यदि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो हो सकता है भविष्य में आ सकते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, या फिर कुछ और भी मेल आ सकते हैं। इसलिए कभी भी आपके पास कुछ भी मेल आते हैं तो आप उसे ध्यान से एक बार चेक करें आखिर किनके द्वारा मेल भेजा गया है। हालांकि फेक मेल आजकल काफ़ी बन जाते हैं तो ये आपको मालूम नहीं चलेगा, लेकिन इसके अलावा उस मेल पर अगर कुछ लिंक है तो लिंक पर क्लिक करने से पहले आप उसे एक बार अच्छे से जांच कर लें, और क्लिक कर भी देते हैं तो वहाँ पर जो भी वेबसाइट ओपन होता है वहाँ पर डोमेन एक बार चेक कर लें, और वेबसाइट पर उसे सर्च करें कि आखिर ये वेबसाइट, गूगल पर सर्च करें ये वेबसाइट आखिर है भी या फिर नहीं, तभी उस लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ आगे आप प्रोसेस करें। तो ये बात है, सबसे पहले तो लिंक पे ही क्लिक ना करने की कोशिश करें। दूसरी बात, हम आगे जानेंगे कि आखिर ये हो हमारे साथ हुआ क्या। दूसरी बात ये, पहला तो मालूम चल गया मेल के जरिए से, और दूसरा जो तरीका है ये बहुत ही सच्चाई है, और ये आजकल अधिकतर देखने को मिल रहा है। हो क्या रहा है, जिनके पास, जिनके YouTube चैनल पर मतलब थोड़े कम सब्सक्राइबर है, वे काफ़ी ज़्यादा नाराज है कि हमारे पास बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, कैसे हम अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइबर बढ़ाना है। तो इस कारण से आपके पास ऐसे ऐसे मेल्स आपके पास आ सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोगों के पास आ रहे हैं, आए हैं, तो आपके साथ भी हो सकता है, ये हो सकता है कि सब्सक्राइबर क्या आपको सब्सक्राइबर चाहिए, तो इस प्रकार के मेल आपके पास आ सकते हैं। तो और जाहिर सी बात है आप
आपको अगर सब्सक्राइबर मिलेगा, कोई आपको सब्सक्राइबर देगा तो फिर दिलाएगा, तो फिर आप तो जाहिर सी बात है कि हाँ ही करोगे, तो फिर आप सब्सक्राइबर के लिए हाँ कर देते हो। फिर जो हैकर होता है वो आपको कोई ऐप भेज देता है या फिर कोई वेबसाइट भेज देता है कि यहाँ से आपको सब्सक्राइबर मिलेगा, इस पर क्लिक करो, इसे इंस्टॉल करो या फिर इस लिंक पर क्लिक करो, जो भी डिटेल है ये डालो वो डालो, चैनल का यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह डालो, फिर वहाँ से जो भी, तो इस प्रकार से आपका डिटेल चला जाता है। चाहे वो लिंक पे कुछ भी अपना बनाकर भेज सकते हैं, उस पर क्लिक करोगे तो वो हैकर फिर आपका कंट्रोल कर लेता है। तो ये बात है। तो कुल मिलाकर हमें कुछ भी मेल आए तो मेल से बच कर रहना है। और दूसरी बात जो मैं इम्पोर्टेंट आपसे अभी साझा किया कि सब्सक्राइबर या फिर व्यूज़ के लालच में हमें ज़्यादा नहीं रहना है। हालांकि इस चीज़ का टेंशन हमें होता है कि थोड़ा सा और सब्सक्राइबर हो जाता, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, हमें कोई सब्सक्राइबर मतलब मिल नहीं रहा, तो इस चीज़ का हमें चिंता होता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप ज़रूर इसके विषय में सोचिए आप। और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि जो ऐप से सब्सक्राइबर हमें नहीं मिलता है, बिल्कुल ऐसे कई सारे एप्लीकेशन हैं जिनसे हम अच्छा खासा सब्सक्राइबर अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं, मगर इनसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो तो खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो खैर इसके विषय में हम तो आगे ही बात करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो भी मेल आता है उससे आपको बच कर रहना है। दूसरी बात कि जो भी कहीं पर भी आप वेबसाइट वगैरह पे जाते हो वहाँ भी आपको सावधानी से रहना है, सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। कुल मिलाकर आज का आज अब वीआई कम्युनिटी में हमारे ब्लाइंड यूट्यूबर्स के साथ भी ये चीज़ हो रहा है, हैकिंग हो रहा है। अभी जैसे मैं बताया टेक विद विशाल चैनल, जो कि बहुत ही अच्छा खासा चैनल है और अच्छे से वर्क कर रहा है, ये विशाल भाई बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो ये चैनल भी हाल फिलहाल में हैक हो गया। हालांकि इसी चैनल पे आपको पूरे डिटेल में वीडियो मिल जाएगा कि ये चैनल है कैसे हुआ, आपको कैसे हुआ, आप इस चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन सब चीज़ों से हमें सावधानी से रहना चाहिए और हैकिंग से हमें बच कर रहना है। और दूसरी बात अगर मैं करूं कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपके पास कम सब्सक्राइबर है तो आपका चैनल हैक नहीं होगा, हैकर के पास काफ़ी दिमाग है, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। तो इसलिए हमें सावधानी से रहना है और सुरक्षित रहना है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि आपका चैनल कभी भी ऐसा हो जाता है तो आप यूट्यूब से संपर्क कर सकते हैं, यूट्यूब टीम से मेल कर सकते हैं, आप उन्हें मेल का रिप्लाई मिल जाएगा। और हो सकता है यदि आपका मेल का रिप्लाई जल्दी ना मिले, क्योंकि यूट्यूब मेल कर रिप्लाई जल्दी नहीं हो सकता ना करे, तो अगर नहीं मिलेगा तो ट्विटर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। और दूसरी बात अगर इससे भी कुछ नहीं होता है तो सबसे जो अच्छी चीज़ है कि आप किसी ऐसे चैनल से संपर्क करें जिनका चैनल मोनेटाइज है और उनसे सपोर्ट, उनसे हेल्प मांगें। और क्योंकि जिनका मोनेटाइज चैनल है उनके पास लाइव, जिस प्रकार से हम लोग व्हाट्सएप पे आपस में चैटिंग करते हैं उस प्रकार से यूट्यूब से चैटिंग करने का ऑप्शन उनको मिल जाता है, तो उनसे संपर्क कीजिए तो आपका ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। आपका चैनल हैक भी हो जाता है तो आप यूट्यूब टीम से संपर्क करके रिकवर करा सकते हैं। दूसरी बात, इन सब चीज़ों के अलावा आप खुद ही पहले से ही आप अच्छे से अपने ध्यान से रहें ताकि कभी भी आपको इन सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। हालांकि ज़्यादा कुछ मैं यहाँ आज नहीं बता पाया, वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, और भी डिटेल में हम किसी दिन इसके विषय में बात करेंगे। जैसे क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे चैनल हैं जिनके साथ ये हो रहा है और मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के इस वीडियो को बनाना, इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे। और बस आज के लिए सिर्फ यहीं तक, इतने सारे चीज़ों के विषय में आपको मालूम चला। और जाते जाते मैं इतना ज़रूर बता दूं कि यदि आपका चैनल कभी भी ऐसा होता है, आपको भी इन सब चीज़ों का सामना करना कभी पड़ा, तो आप एंड्रॉयड मोबाइल कैफ़े टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा चैनल एंड्रॉयड मोबाइल कैफ़े पर जाकर अबाउट पेज पर जाइए, आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, संपर्क कर सकते हैं कभी भी। हालांकि ऐसा तो
आप खुद ही सावधानी से रहिए ताकि आपके साथ कभी वैसा ना हो, मगर फिर भी कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे अबाउट पेज पर जाकर आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर से मिलते हैं अब किसी अगले दिन अगले किसी वीडियो के साथ।